आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना क्वेश्चन है, देयर आर थ्री प्रॉब्लम फिगर फॉलो बाय ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन फॉर द फोर्थ वन। ठीक है, थ्री प्रॉब्लम फिगर दे रखी है। देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू प्रॉब्लम फिगर, ए सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ फिगर। पहले और दूसरे में जो रिलेशन है उसी प्रकार एक पैटर्न को तीसरा और चौथा फॉलो करता है। सेलेक्ट वन फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर, गिव द प्लेस द मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, राइट द लेटर ऑफ द आंसर गिवन फिगर सेलेक्ट बाय यू। देखो क्या कह रखा है, आपके आपकी फिगर दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क वाला बताना है, और ये ऑप्शन ए बी सी डी में से सेलेक्ट करना है। और क्या कहा गया, तो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा इन दोनों का आपस में एक पैटर्न पर आपके काम करते हैं, उसी पैटर्न पर तीसरा और चौथा काम करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको कि किस पैटर्न पर कौन सी वजह से ये एक दूसरे के साथ आपके एड हो रखे हैं। अगर मैं बात करूं पहले की, तो पहला आपका थोड़ा सा इस प्रकार से है, पहला अगर बात करें तो उसमें कोई ना कोई चीज पहले से दूसरे में कोई चेंजेस करेगी, कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपका जो जैसा भी बनाए। देखो पहले में कुछ ऐसा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मल्टीपल है, और मे भी यहाँ पर शायद आपका भाग का निशान है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करें कि दूसरा किस प्रकार से इसने ड्रॉ किया है, तो वो देखो दूसरे में काम क्या किया इसने, बाकी सारा कुछ सेम है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है जी, और फिर किस में चेंज कर रहा है, ये चेंज किस में कर रहा है, प्लस में। भी अब जो प्लस था वो यहाँ पर हो गया, भाग वाला यहाँ पर हो गया, मल्टीपल यहाँ पर हो गया, सॉरी माइनस यहाँ पर हो गया और भाग यहाँ पर हो गया, बाकी सारी चीज सेम है। देखो क्या काम किया, जो आपका प्लस है ना, प्लस ये इधर आ गया, एक स्थान इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा, तो ये नीचे चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इसकी तरह आ जाएगा, ऐसे देखना, प्लस इधर आ गया, फिर भाग माइनस नीचे आ गया, गुणा इधर आ गया भाग, तो एक स्टेप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था। और जो हमारी आकृति है वो कैसी है, ट्रायंगल है, उसमें यहाँ पर आपका राउंड दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर आपका प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ऐसा ही कुछ दे रखा है। तो नेक्स्ट आकृति हमारे पास कैसी आएगी, जितना जैसा इसने कन्वर्ट किया वैसे ही, तो हमारा ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस नीचे की तरफ चला जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, तो क्योंकि एक स्टेप ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये भी हमारा एक स्टेप क्लॉकवाइज है। तो ये देखा, अगर बात करें तो डी आपका नहीं हो सकता, अपोजिट है, बी भी हमारा नहीं हो सकता, सी और ए के अंदर, सी के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सी के अंदर यहाँ पर जो है वो डॉट बिल्कुल है, ठीक है, सी के अंदर, पर यहाँ पर डॉट नहीं होना चाहिए, एक सर्कल होना चाहिए, तो इसलिए सी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या बचा, ए बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इसके बिल्कुल एक अकॉर्डिंग है ए, और ये हमारा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।